नमस्कार, मैं हूँ शाश्वत सिंह। न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है। चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ विवाद बढ़ाने से बाज नहीं आ रहा है। हांगकांग से लेकर दक्षिण चीन सागर और अमेरिका से लेकर भारत तक हर मोर्चे पर चीन बखेड़ा खड़ा करने की भरपूर कोशिश में है। लेकिन भारत और चीन के बीच इस विवाद पर रूस का क्या रुख है, वह आप रूस की सरकारी मीडिया की रिपोर्टिंग देखकर भली भांति समझ सकते हैं। रूस का जिक्र यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोरोना काल में सिर्फ रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन की तरफदारी करता दिखाई दे रहा है। वहीं रूस के भारत के साथ भी बेहद गहरे संबंध है। रसिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने जिस क्षेत्र पर कब्जा जमाया है वह भारतीय भूमि है, और चीन के दावों के ठीक उलट संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र पर भारत शासन करने का वास्तविक अधिकारी है। एक विशेषज्ञ से बातचीत के दौरान रशिया टुडे ने भी यह अनुमान लगाया है कि ये सारे कारनामे चीन सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वह अपने शक्ति प्रदर्शन से डरा सके। पर भारत भी चीन जैसे देशों से दबने वालों में से नहीं है। रशिया टुडे की इस रिपोर्ट में इस बात पर भी सहमति जताई है कि भारत को अपने क्षेत्र में विकास करने का पूरा अधिकार है और चीन इसमें हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रूस के साथ साथ वहां की सरकारी मीडिया में भी भारत के पक्ष में ही रुख बताता दिखाई दे रहा है। रूस और चीन की पिछले कुछ सालों में करीबी बढ़ी है, दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ा है। कुछ दिन ही पहले रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के G7 समूह में शामिल होने के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया था कि यह चीन को अलग थलग करने की रणनीति है। रूस ने कहा था कि वह चीन के खिलाफ किसी भी गुट या रणनीति में शामिल नहीं होगा। गौरतलब है कि रूस वैचारिक रूप से चीन का काफ़ी हद तक समर्थन करता है, पर जब भारत और चीन में किसी एक को चुनना रहा तो रूस की प्राइमरी चॉइस भारत ही रहेगी। एक बात तो साफ है, यदि भारत और चीन में कोई बड़ा विवाद खड़ा होता है तो रशिया बेशक युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन वो बाहर से भारत को ही समर्थन ज़रूर देगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल।